Assalamu alaikum student, how are you? Hope you are good. Today we are going to start a chapter jo hai verbs. Agar verbs ki baat ki jaye to verbs hamara part of speech ke andar aata hai. Hum jante hain part of speech mein 8 total parts of speech hain. उन एक पार्ट ऑफ स्पीच में से एक पार्ट ऑफ स्पीच आपकी वर्ब्स है. अब वर्ब्स की अगर बात की जाए तो वर्ब्स जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है सेंटेंस बनाने में. तो जब वर्ब्स इतना इम्पोर्टेंस है तो आज ये वर्ब्स के बारे में जानते हैं कि क्या काम करता है, किस लिए सेंटेंस में इसका यूज किया जाता है. तो सबसे पहले हम कुछ पिक्चर्स के थ्रू और कुछ सेंटेंस के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं. जैसे नीचे कुछ पिक्चर दिए हुए हैं, पेज नंबर 51 को लिए, पेज नंबर 51 में आपको देखिए कुछ पिक्चर्स दिखेंगे और पिक्चर के साइड में आपको सेंटेंस दिखेंगे. पहली पिक्चर एक बॉय की है, ये बॉय आपको पिक्चर में हंसता हुआ दिखेगा. तो इससे रिलेटेड सेंटेंस आया हुआ है द बॉय लाफ्स, द बॉय लाफ्स. अगली पिक्चर को देखें, एक लड़की है जो क्या कर रही है, कुछ गा रही है. तो इसके लिए सेंटेंस आया हुआ है द गर्ल सिंग्स. इसी तरह से एक और पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं स्पाइडर है, मकड़ी है जो जाल बुने हुए हैं. तो इसके लिए वर्ड आया हुआ है द स्पाइडर स्पिन्स. अब आते हैं हम लोग फोर्थ पिक्चर की तरफ. फोर्थ में आपका पिक्चर है जिसमें सूरज है, उसकी उसमें सूरज निकलता हुआ दिख रहा है, अभी उग रहा है. तो उसके लिए सेंटेंस आया हुआ है द सन राइज़. केवल इतना लिखते हैं, इसके लिए पार्ट्स को छोड़ दे रहे हैं. फिफ्थ वन एक चिड़िया है, चिड़िया का कलर उड़ रही है, उसके लिए आया हुआ है birds flies. अब इन पांचों सेंटेंस, ये पांच सेंटेंस हमारे सामने हैं, पिक्चर्स के थ्रू से पढ़े हैं. आइए इसे आप और अच्छे ढंग से समझते हैं. जैसे पहले पिक्चर में क्या लिखा हुआ था, सेंटेंस क्या लिखा था, द बॉय लाफ्स. इसकी मीनिंग निकाली जाए तो इसकी मीनिंग होगी लड़का हंसता है. यहां पर द बॉय मतलब हो जाएगा लड़का और लाफ मतलब होता है हंसना. तो यहां पर हम इस लाफ वर्ड्स को देखते हैं, ये बता रहा है कि ये लड़का क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि लड़का क्या कर रहा है, हंसता. इसी तरीके से दूसरे सेंटेंस में देखें द गर्ल, गर्ल का मतलब लड़की, यहाँ पर सिंह मतलब गाना. तो ये सिंह जो वर्ड है ये बता रहा है कि ये लड़की गा रही है. तो इस सिंह को नोट करिए. इसमें देखिए ये बता रहा है कि ये लड़का हंस रहा है, इसमें ये वर्ड बता रहा है कि लड़की गा रही है. तीसरे सेंटेंस को देखा जाए तो इसमें वर्ड है स्पाइडर, स्पाइडर को जानते हैं कंप्लीट, और यहां पर आएगा स्पिन्स, इसको निकाल देते हैं. स्पिन्स ये बता रहा है कि जो मकड़ी है वो बुन रही है, या ये कह लो नचा रहा है. स्पिन की मतलब होता है नचाना, यहाँ लेकिन यहाँ निकलेगा बुनना. स्पाइडर क्या कर रहा है, बुन रहे. इसी तरीके से पांचवे सेंटेंस में देखिए आया हुआ है द सन, सन के बारे में है. सूरज, सूरज के बारे में है, राइजिंग, सूरज उग रहा है. तो राइजिंग बता रहा है कि सूरज क्या कर रहा है, स्पिन बता रहा है कि स्पाइडर क्या कर रहा है. इसी तरीके से फिफ्थ सेंटेंस में अगर देखें तो इसमें लिखा हुआ है बर्ड फ्लाइज, चिड़िया उड़ती है. तो ये फ्लाई वर्ड है, फ्लाइज वर्ड है, ये बता रहा है कि चिड़िया
पूजा करती है। इसको करेक्ट करिए, होगा बर्ड्स फ्लाई, ठीक है। तो ये है बर्ड्स फ्लाई। तो ये हमारे सामने पांच ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है ये चीज बता रहे हैं कि ये जो चीजें जो रिलीज है क्या कर रहे हैं, जिसका मतलब ये जो वर्ड है ये ऐसे वर्ड है जो बता रहा है कुछ करने के बारे में बता रहा है। सिंग हुआ आपका, स्पिंग हुआ आपका, स्पिन हुआ आपका, राइजिंग हुआ आपका, इसी तरीके से फ्लाई हुआ, ये पांचों वर्ड ये कुछ करने के बारे में बता रहे हैं। इसी वजह से इन वर्ड्स को हम कहते हैं डूइंग वर्ड। क्या कहते हैं, ये कैसे वर्ड है, डूइंग वर्ड। क्यों, क्योंकि ये कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहा, लाफ हंसा, सिंह गारा, स्पिन बुन रहा, राइजिंग उड़ रहा, स्पिन फ्लाई में उड़ रहा। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इस वर्ड को पढ़ने पर पता चलता है इसमें कुछ हो रहा है। तो ऐसे वर्ड जो ये बताते हैं कि कुछ हो रहा है, कुछ काम हो रहा है, तो ऐसे ही वर्ड आपको क्या कहलाते हैं, वर्ब्स कहलाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि हम लाफ जो है वो वर्ब है, सिंग जो है ये वर्ब है, स्पिन है ये वर्ब है, राइज है ये वर्ब है, फ्लाई ये आपका वर्ब है। क्यों वर्ब है, क्योंकि ये सेंटेंस में बता रहे हैं कि जो इंसान है वो कुछ काम कर रहा है। तो याद रखिए, ऐसा वर्ड जो हमें ये बताए कि इसमें कुछ काम हो रहे हैं या कुछ एक्शन हो रहे हैं, तो जो वर्ड मुझे बताता हो कि सेंटेंस में कुछ एक्शन हो रहा है, कुछ काम हो रहा है, वही वर्ड आपका वर्ब कहलाता है, ठीक है। तो इसे जो टाइम उसे आप फिर से दोबारा लर्न करने के सीख लेंगे कि लाफ आपका वर्ब है, सिंग आपका वर्ब है, स्पिन आपका वर्ब है, राइज आपका वर्ब है और फ्लाई आपका वर्ब है। क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस में हमें कुछ बातें बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ काम किया जा रहा है, यहाँ पर कुछ काम किया जा रहा है। तो काम करने ऐसे वर्ड जो ये बताते हैं कि कुछ काम हो रहा है, वही वर्ड हमारे वर्ब्स कहलाते हैं। तो देखिए पेज नंबर 51 में नीचे नोट्स लिखे हुए, नोट्स को देखते हैं। नोट्स में ये वर्ब इसे डूइंग वर्ड, तो याद रखिए वर्ब क्या होता है, वर्ब एक डूइंग वर्ड होता है जो कुछ करता है। जैसे लाभ हंसना, हम लिख रहे हैं तो लिखना है राइट, राइट मतलब क्या है लिखना, और राइट क्या है बता रहे हैं कि कुछ काम हो रहा है। याद रखिए वर्ब क्या है, डूइंग वर्ड है। मोस्ट वर्ब डिस्क्राइब एक्शन, और बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जो एक्शन को बताते हैं, तो वो भी याद रखिए। ऐसे वर्ड जो एक्शन को बताते हैं वो भी क्या है, आपके वर्ब्स कहलाते हैं। जैसे अगर हम चल रहे हैं तो एक एक्शन कर रहे हैं, खेल रहे हैं तो वो भी एक एक्शन है, गा रहे हैं तो वो भी एक्शन है। तो यहाँ पर ऐसा वर्ड जिससे आपको पता चले इसमें कुछ एक्शन हो रहा है, तो उस एक्शन वाले वर्ड को भी आप वर्ब की कैटेगरी में लाएंगे। अब ये एक्शन कैसा एक्शन बताते हैं, एक्शन ऐसा एक्शन बताते हैं जिसे किसी या तो पर्सन ने किया हो, किसी चीज के लिए हुआ हो, ठीक है। तो जो एक्शन होता है उसे या तो किसी पर्सन ने किसी पर्सन ने किया है या किसी चीज के लिए हुआ है, ठीक है। तो आज क्लास को हम लोग एक बार खत्म कर रहे हैं, तो जहां पर पढ़ाया उसे आप रिवाइज करेंगे। Yes, I'm good.